हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। अनिश्चितता के सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया था। आज एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ अलग सा है। क्या है कि एग्जाम में फालतू चीज़ें भी कभी कभी आ जाती हैं, तो अपन कोई रिस्क लेके नहीं चलना चाहते, इसीलिए हेडिंग है अपनी संकीर्ण रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। हेडिंग क्या है? संकीर्ण रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। हाँ जी, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पुंज लेते हैं। मान लो ये अपन ने कोई नली ले ली, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कोई ले लिया इलेक्ट्रॉन का पुंज, ये लो जी, ठीक है। माना नली की चौड़ाई कितनी ले लेते हैं, डेल वाई या फिर डेल वाई, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया जाता है। यहाँ नलिका में आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है ये इस नलिका पर आपतित हो गया, फिर नलिका में आपतित होगा, तो इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा अक्ष दिशा में है। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है इसकी दिशा कहाँ है, अक्ष डायरेक्शन में है। तो देखो नली के सिरों पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होती है, ठीक है। नली के सिरों पर, मान लो ये अपन ने कोई पर्दा ले लिया, अच्छा जी, ये अपन ने क्या किया, कोई पर्दा ले लिया, ये क्या है अपना, कोई पर्दा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से होकर यहाँ आएगा तो कुछ इस प्रकार से विवर्तित होगा या फिर आपतित होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे आपतित होंगे, यहाँ पे आपतित होंगे, ये देखो जी, ओके। अब ये इसका क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट बिंदु हो जाएगा, ठीक है, और ये इनके क्या हो जाएंगे, निम्निष्ट बिंदु, ये लो जी, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, निम्निष्ट बिंदु है, और ये क्या हो गए, केंद्रीय उच्छिष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय उच्छिष्ट। ये लो जी, अब यहां पे अपन ने एक फ्रेम ले लिया, ठीक है, ये लो, इसको बोल दिया एक्स और इसको बोल दिया वाई, ठीक। ये अपने क्या थी, कोई नली थी, चलो जी, और ये यहाँ से आके अक्ष डायरेक्शन में आ गया, ठीक। इन दोनों के बीच एंगल क्या मान लेंगे, थीटा, क्लियर है यहाँ तक, चलो जी। अब देखो ध्यान से देखना, सुनना, माना डेल वाई चौड़ाई की एक नलिका है जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित करते हैं, और यहाँ नलिका में आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा अक्ष दिशा में है। नली के सिरों से इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होती है, नली के सिरों से इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होती है, तो यहाँ पे ऐसे विवर्तित होंगी, और पर्दे पर उच्छिष्ट, ये पर्दा है, और पर्दे पर उच्छिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे, ये लो जी, क्या प्राप्त होंगे, उच्छिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे, क्लियर है यहाँ तक, आ जाओ जी। अब निम्निष्ट थीटा कोण पर, यहाँ जो प्रथम निम्निष्ट है वो कहाँ प्राप्त होगा, थीटा कोण पर प्राप्त होगा, क्लियर है, आ जाओ। यहाँ नली की चौड़ाई डेल वाई है, अपन ने क्या माना था कि नली की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे डेल वाई है, और प्रथम निम्निष्ट हेतु पथांतर, आप लोगों को पता हो तो अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फ्रोनहोफर विवर्तन पढ़ा था,
पढ़ा था ना फ्रॉनहोफर एकल रेखा छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ा था, वहाँ पे ऐसे कुछ होता है कि ये पर्दा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। निम्निष्ट के लिए पथांतर जब अपन निकाला था, यहाँ पे क्या था, ई साइन डेल लैम्डा ऐसे कुछ था, ई साइन थीटा, सॉरी क्या था, ई साइन थीटा इक्वल डेल एम लैम्डा, यही था। जब अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एकल रेखा छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ा था, तो वहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के लिए जब अपन ने पथांतर की बात की थी, तो उसका फॉर्मूला अपन ने वहाँ पे लिखा था, ई साइन थीटा इक्वल एम ए लैम्डा लिखा था। पहला पथांतर था तो वहाँ पे एम इक्वल क्या कर दिया, वन लिख दिया। यहाँ पे भी फर्स्ट के लिए पथांतर निकालेंगे तो एम इक्वल क्या लिख देंगे, जो काम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहा था ना, यहाँ पे कौन कर रहा है, डेल वाई कर रहा है। क्या वहाँ पे जो काम इलेक्ट्रॉन कर रहा था वहाँ, यहाँ पे कौन कर रहा है, डेल ए वाई। तो क्या अपन आगे लाइन लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, यहाँ नली की चौड़ाई डेल वाई है, तो प्रथम निम्निष्ट हेतु, यहाँ नली की चौड़ाई डेल वाई है, तो प्रथम निम्निष्ट हेतु पथांतर कितना हो जाएगा, निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे, निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। वहां पे क्या निकाला था आप लोगों ने, डेल वाई साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, ठीक है। एम लैम्डा इक्वल क्या कर लोगे, या फिर एम इक्वल क्या कर लोगे, वन, क्यों, प्रथम के लिए बात कर रहे हैं, तो m इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, m, क्लियर है, आ जाओ जी। तो डेल y साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ओनली लैम्डा। अब आप लोग जानते हो डे ब्रोगली समीकरण, तो यहाँ पे डेल y इक्वल क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा अपॉन साइन थीटा, इसका इक्वेशन नंबर दे दो वन, क्या है, इक्वेशन नंबर वन। आगे अपन बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो नली के किस स्थान पर आपतित होता है, क्या इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो नली के किस स्थान पर आपतित होता है, इसके बारे में अपने को कोई भी जानकारी नहीं है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके तुल्य होगी, डेल वाई के तुल्य होगी, हाँ जी, किसके तुल्य होगी, डेल वाई के तुल्य होगी। क्यों, क्योंकि अपने को अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो किस स्थान पर आपतित होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता आएगी वो किसके तुल्य होगी, इस डेल वाई के तुल्य होगी। तो विवर्तन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है वो वाई दिशा में पी संवेग के साथ, ये जो है इलेक्ट्रॉन विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में पी संवेग, यहाँ पे कोई संवेग मान लो आप लोग पी, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, इस वाई दिशा में पी संवेग के साथ थीटा कोण पर जाता है, ये देखो वाई में जा रहा है, ठीक है। और हमें पर्दे पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है, ये प्रथम निम्निष्ट जो होगा ये अपने को कब प्राप्त होगा, देखो ये विवर्तन होकर यहाँ पे आया तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अक्ष डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोग क्या मानोगे, एक बार मान के चलो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। तो बोल क्या रहा है कि विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई दिशा में
क्या कर जाता है, वाई दिशा में पी संवेग के साथ थीटा कोण पर जाता है। ठीक। और पर्दे पर हमें क्या प्राप्त होता है, फर्स्ट निम्निष्ट प्राप्त होता है। चलो जी, अब देखो, मान लो इस डायग्राम को आप लोग एक बार साइड में ले लो। क्या करोगे आप इस डायग्राम को एक बार साइड में लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है अपने पास। आ जाओ जी, हाँ जी, ये क्या है अपना, कोई प्रदा है। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, कोई ओ पॉइंट था और यहाँ पे अपना क्या आता था, प्रथम निम्निष्ट प्राप्त हो रहा था और यहाँ पे इन दोनों के बीच कोण क्या बन रहा था, थीटा। चलो जी, ये कोई डायरेक्शन, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, या फिर एक्स और वाई कि इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो, अब देखो, अब मुझे एक काम करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, यहाँ पे पी मान लो भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है ये अक्ष डायरेक्शन हो गई और ये कौन सी डायरेक्शन हुई, वाई डायरेक्शन हुई। तो अगर अपन इसके सापेक्ष इसका घटक निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी पी के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका घटक, पी कोस थीटा। ठीक, अगर ये पी कोस थीटा आया तो इसके ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये इसके जस्ट सामने वाला कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई, इसको इस तरीके से मिला के चल लो आप, देखो एक बार, ये क्या हो गया, अक्ष कोस थीटा है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये अगर कोस थीटा हो गया तो ये कितना होगा, साइन थीटा। तो इसको क्या लिख दोगे, अक्ष साइन, सॉरी पी साइन थीटा। ये लो जी, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं, अतः विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का संवेग पी साइन थीटा से, एक चीज और देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि ये P साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि इधर भी एक विवर्तन हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि विवर्तन के पश्चात वाई डायरेक्शन में इसका, अरे भाई ऊपर भी वाई है और नीचे भी वाई है, अगर ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और अगर नीचे आएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का संवेग पी साइन थीटा से इलेक्ट्रॉन का संवेग पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा तक परिवर्तित होता है। ये लो जी, तक परिवर्तित होता है। यहाँ संवेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल पी होगा। यहाँ संवेग क्या होता है, पी होता है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल पी। यहाँ संवेग में परिवर्तन डेल पी होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल
पर देखो संवेग में परिवर्तन हो कहाँ से कहाँ तक रहा है, प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा तक हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, पी साइन थीटा माइनस और माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएंगे ये 2p sin थीटा होंगे कि नहीं होंगे? तो डेल p इक्वल क्या आ जाएगा, 2p sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ओके, समीकरण एक व दो को गुणा करने पर, समीकरण एक को, एक व दो को गुणा करने पर, अब देखते हैं कि इक्वेशन वन क्या है, अपने पास है तो है नहीं, चलो लिखते हैं उसको। इक्वेशन वन क्या थी देखो अपनी, या डायरेक्टली गुणा कर दो, डेल पी डेल वाई, वहाँ पे डेल वाई था, अच्छा जी, टू पी साइन थीटा, और वहाँ पे डेल वाई की वैल्यू क्या थी, लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ये लो जी, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, हाँ जी, डेल पी डेल वाई इक्वल टू पी लैम्डा, लैम्डा दे ब्रोगली जानते हो आप क्या होता है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, पी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू किसकी चाहिए, पी की, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, एच इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा पी, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, तो पी लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, एच आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर क्या लिख दें, डेल पी डेल वाई इक्वल टू एच, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था जी। यहाँ डेल पी संवेग में अनिश्चितता है और डेल वाई क्या है यहाँ पे, स्थिति में अनिश्चितता है, इन दोनों का गुणनफल 2h जो है वो सदैव h कट बाई 2 से क्या होता अधिक है, अतः हाइगेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत सत्य है, किसके लिए सत्य है ये, संकीर्ण रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के लिए। आ जाओ जी, ये अपना टॉपिक हुआ, कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आज अपन बात करते हैं ऑपरेटर की, जो इसके अंदर एकदम न्यू टॉपिक है, क्या होता है ऑपरेटर, संकारक, संकारक क्या होते हैं भाई, बात करते हैं देखो अपन किसकी, संकारक की। श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात करने के लिए ये जो ऑपरेटर होते हैं ये अपन कहाँ काम में लेते हैं, सेकंड यूनिट होगी अपनी श्रोडिंगर समीकरण वाली, तो उसके अंदर ये जितने भी ऑपरेटर है उनको अपन वहाँ पे एकदम अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे, ठीक। ऑपरेटर क्या होते हैं, श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ऑपरेटर लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑपरेटर लेते हैं, ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर एक तरह से माध्यम है, मीन्स एक टीवी चैनल वाला अलग अलग चैनल देता है अपने को, क्या एक टीवी चैनल वाला है वो अपने को अलग अलग चैनल देता है अपन को, तो कौन सा चैनल के पास जाना होता है अपने को, चैनल से भाई क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है, और कौन सा नहीं है, तो मतलब ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो जो अपने को टीवी चैनल देता है वो उनको संभालने का काम उसका होता है, कि इसके अंदर कौन सा माध्यम काम कर रहा है और कौन सा माध्यम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी तरह से आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करवाना, ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके से वो आपको चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक। तो हम श्रोडिंगर समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, कुछ ऑपरेटर अपन यहाँ पहले लिखेंगे और उनके डायरेक्टली वैल्यू लिख लेंगे अपन यहाँ पे,
ऑपरेटर का मतलब होता है किसी अवस्था को बदल देना। ऑपरेटर का काम क्या है या ऑपरेटर होता क्या है कि किसी अवस्था को बदल देना। चलो जी, अब अपन हेडिंग डालते हैं कि ऑपरेटर संकारक होता क्या है। कण यांत्रिकी में कणों की ऊर्जा और उनका संवेग संकारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कण यांत्रिकी में या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में कणों की ऊर्जा और उनका जो संवेग होता है संवेग संकारकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इन संकारकों की सहायता से संकारक के द्वारा श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात की जा सकती है। एक श्रोडिंगर समीकरण कण की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है और कण यांत्रिकी में कुल संकारकों को क्या करते हैं अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देखो, कुछ संकारक लेते हैं, जैसे कि ऊर्जा संकारक ले लेते हैं, संवेग संकारक ले लेते हैं और कुल संवेग संकारक ले लेते हैं। देखो, लेते हैं अपन ऊर्जा संकारक, एक लेते हैं अपन संवेग संकारक, और एक लेते हैं अपन कुल संवेग संकारक। ये लो जी, ऊर्जा संकारक क्या होता है आप लोगों के पास? E कैप इक्वल आयोटा एच कैट डेल अपॉन डेल टी। ऊर्जा संकारक क्या होता है? E कैप इक्वल आयोटा एच कैट डेल अपॉन डेल टी। ओके जी, संवेग संकारक आप लोगों के पास क्या होता है? देखो, P संवेग का मतलब होता है आपको तीनों डायरेक्शन में जाता है, अक्ष में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? देखो, आयोटा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही पी वाई का हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। ऐसे ही पी जेड का हो जाएगा क्या? माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब अपन कुल संवेग निकालते हैं। देखो, कुल संवेग संकारक निकालते हैं। अरे भाई, ये कैप है ना, ये जो कैप लगा है अपन इसके ऊपर, ऐसे कैप लगा रखा है और एक आयोटा के ऊपर, आई के ऊपर कैप होता है और एक ये पी के ऊपर कैप है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो कैप होता है ना आई के ऊपर, तो इस आई को आप क्या बोलोगे? यूनिट वैक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे? यूनिट वैक्टर। और ये जो पी के ऊपर कैप लगा रखा है ना, रियल में इसका नाम क्या होता है? कैरेट। क्या नाम होता है इसका रियल में? कैरेट नाम होता है, पर अपन इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? कैप। तो ये मत समझ लेना कि ये आई के ऊपर जो कैप लगाते हैं, जे के ऊपर जो लगाते हैं, के ऊपर लगाते हैं, वो कैप है ना। इन दोनों का नाम भी अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। तो देखो, संवेग संकारक निकाल लिया। संवेग संकारक क्या क्या होते हैं? पी कैप एक्स इक्वल माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही वाई का हो जाएगा, क्या होगा? माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। और ऐसे ही किसका हो जाएगा? पी जेड का हो जाएगा। अब अपन ये दो तीनों संकारक अपने पास आए हैं संवेग के, इनका टोटल संवेग संकारक निकालते हैं। तो क्या कर देंगे? तीनों को ऐड कर देते हैं। तो आ जाओ फिर, P इक्वल क्या हो जाएगा? पी एक्स कैप प्लस पी वाई कैप प्लस पी जेड कैप। ओके, अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स और माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई और माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। या फिर एक काम कर लो, माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ओके, अब इनका कर दो। अब आप लोग जानते हो क्या
जानते हो, अरे भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो आप लोग, क्या जानते हो। ये कहाँ गया? हाँ जी पी अक्ष आई कैप होता है भाई ये यहाँ पे, और ये होता है जे कैप, और ये क्यों होता है के कैप। तो आई कैप यहाँ पे लगा दो, जे कैप यहाँ के पे लगा दो, और के कैप यहाँ पे लगा दो, तो इसके साथ डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि इस डेल के इक्वल में क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। जानते हो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो तो संवेग का संकारक अपने पास कितना आ जाएगा, देखो P वेक्टर इक्वल माइनस डेल आ गया आयोटा एच कट, ओके जी क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डेल एच कट या फिर माइनस आयोटा एच कट डेल, ऐसे लिख दो भाई, कैसे भी लिख दो जैसे आपको अच्छा लगे। P वेक्टर इक्वल माइनस आयोटा एच कट डेल, क्लियर है। चलो जी स्थिति संकारक भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे स्थिति संकारक, कुछ संकारक है ये, अभी अपन ने कुछ डीपली में नहीं पढ़ाया है, बस ये बताया है कि ऊर्जा संकारक क्या होते हैं, संवेग संकारक है, क्या होते हैं। स्थिति संकारक होते हैं अक्ष कैप, वाई कैप और जेड कैप। अब अपने को अपन इसको इससे भी लिख सकते हैं, स्थिति संकारक किसको बोलते हैं, देखो आप स्थिति किसको बोलते हो, आर वैक्टर को, तो आर वैक्टर कैप क्या लगाओगे, संकारक की बात कर रहे हो तो ऊपर क्या लगाओगे, कैप, तो ये क्या आ जाएगा, अक्ष कैप आई कैप प्लस वाई कैप जे कैप प्लस जेड कैप के कैप। ये लो जी ये अपना क्या हुआ, स्थिति संकारक। ये कुछ संकारक थे जो अपना जानने बहुत जरूरी थे। ओके अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।